जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा फोर्थ में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा फोर्थ में आज हम पाठ संख्या 10 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पानी का उपयोग किन किन कार्यों में होता है और पानी हमेशा ढलान की तरफ ही चलता है ना। तो पानी ढलान की तरफ ये हमेशा बहता है ना, ऊंचाई पानी कभी नहीं बहता है। तो हमने ये प्रयोग करके भी समझा था। स्केल पे पानी लिया, पानी की कुछ बूंदें डाली थी और एक सिरे को, स्केल के एक सिरे को हमने नीचे कर दिया था और दूसरे सिरे को ऊपर करा था। तो पानी किधर की, वो बूंदें किधर की साइड लुढ़की थी, जिधर जो सिरा स्केल का नीचे था। तो पानी हमेशा ढलान की तरफ ही बहता है। अब कल हमने एक मानचित्र भी देखा था, है ना। मानचित्र में नदियों के बारे में हमने अध्ययन किया था, है ना। नदियाँ हमारे देश में, जो ये देखिए नीली लाइन जो दिखाई दे रही है वो क्या है, नदियों के बहाव दर्शा रही है। और जो नक्शे में हमें ये आसमानी रंग का पानी दिखाई दे रहा है, आसमानी रंग है, वो क्या दर्शाता है, महासागर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। प्रमुख नदियों के नाम हमने कल पढ़ लिए थे। और भारत की सीमा से लगे तीनों समुद्रों के नाम लिखिए। तो तीनों समुद्रों के नाम भी हमने अच्छे से पढ़ लिए थे, है ना। जो आसमानी रंग ऐसे कलर का दिखाई दे रहा था, आसमानी रंग का, वो क्या था, समुद्र दर्शा रहा था। तो समुद्र कौन कौन से हैं, हिंद महासागर, अरब सागर, महासागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं पानी व्यर्थ न करें। पानी को क्या नहीं करना है, व्यर्थ नहीं करना है, मतलब अनावश्यक रूप से पानी को हमें खराब नहीं करना है, खर्च नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पानी सीमित मात्रा में ही है। क्यों पानी सीमित मात्रा में ही क्यों है, क्योंकि हम वृक्षों की कटाई करते जा रहे हैं, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके लिए घर चाहिए होते हैं, हॉस्पिटल्स चाहिए होते हैं, काम धंधा करने के लिए जगह चाहिए होती है और स्कूल की आवश्यकता पड़ती है। तो पेड़ों को काटना पड़ता है और उसकी जगह पे हमें आवश्यक चीज़ें बनानी पड़ती है, है ना। तो अब जब पेड़ कट रहे हैं तो बारिश नहीं होती है, और बारिश नहीं होती है तो बारिश का पानी धरती में नहीं जाता है, और धरती में पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे। तो इसीलिए पानी को हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाड़ी धोने के लिए आपने पाइप चालू कर दिया है और आराम से गाड़ी धो रहे हैं, और पीछे वाले कुछ लोगों को तो आराम से पानी मिल रहा है और कुछ लोग पानी पीने के लिए भी तरस रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, पानी को सोच समझ के खर्च करना है। तो पानी व्यर्थ न करें आज का हमारा टॉपिक है। कभी आपने सोचा है कि धरती पर कितना पानी है? आपने कभी सोचा है कि धरती पे कितना पानी है? धरती पे एक तिहाई स्थान पे पानी है, मगर सारा पानी पीने लायक नहीं है, है ना। कितना है, धरती पे सारा पानी हम पी नहीं सकते। अब समुद्र का पानी कितना खारा होता है, है ना, तो वो पानी हमारे पीने के काम नहीं आता है। इसमें से कितना पानी हमारे उपयोग के लायक है? अब आपने सोचा है कि कितना पानी है और उसमें से कितना पानी हमारे उपयोग के लायक है। यदि धरती के पूरे पानी को एक बाल्टी के बराबर माने तो एक छोटा चम्मच भर पानी हमारे पीने योग्य उपलब्ध है। अब सोचो कि पूरी दुनिया में कितना पानी, मान लो हम एक बाल्टी भर पानी हम अगर माने तो उसमें से हम पीने योग्य पानी हमारे लिए कितना है, सिर्फ एक छोटा चम्मच भर, है ना, टीस्पून जितना पानी हमारे पीने के काम का है, बाकी सारा पानी व्यर्थ है। इस पानी को व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए, हमें इस पानी का महत्व समझना चाहिए और इसे बचाकर रखना चाहिए। पानी के हम महत्व को नहीं समझेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि पानी की क्या कीमत है। अभी तो हम पैसे देकर भी पानी मंगवा रहे हैं, मगर जब पानी होगा ही नहीं तो वो पैसे किस काम के, उस पैसों का हम क्या करेंगे। जब पानी होगा ही नहीं ज़मीन के अंदर, हम देखो आज से 10 साल पहले जहाँ ट्यूबवेल्स अच्छे से पानी ज़मीन में से निकल रहा था, मगर वो ट्यूबवेल्स क्या हो रही है, धीरे धीरे सूखती जा रही है। जैसे सूख रही है तो किसान दूसरी ट्यूबवेल खुदवा देते हैं, मगर पानी तो सारा खर्च हो रहा है ना। अब इतनी पहले जितनी बारिश होती थी उतनी बारिश अब आजकल नहीं होती है, तो धरती के अंदर पानी नहीं जाता है। धरती में पानी आता कहाँ से, हमारे पीने योग्य पानी कहाँ से आता है, है तालाबों से जो बारिश का पानी होता है वही धरती से रिस रिस के ज़मीन के अंदर जाता है, और वही ज़मीन का पानी हम ट्यूबवेल्स के द्वारा, नलकूप के द्वारा हम उपलब्ध करते हैं, है ना। तो पानी के महत्व को हमें अच्छे से समझना चाहिए और इसे हमेशा बचा के रखना चाहिए ताकि हमें पानी की समस्या से जूझना ना पड़े।
करके देखिए। आधा लीटर वाली प्लास्टिक की बोतल लेकर कहीं टपकते हुए नल के नीचे रखिए और समय नोट कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपने भी अपने आसपास या अपने घर में ही देख लो, कभी कभी एक एक बूंद पानी की टपकती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा नल थोड़ा लीक हो जाता है ना। जो बाथरूम में या कहीं पर भी नल देखते हैं हम, तो एक एक बूंद करके पानी टपकता रहता है और वो पानी व्यर्थ चला जाता है। तो आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है, 1 लीटर 2 लीटर कितनी भी, और उस टपकते हुए नल के नीचे रख देना है और समय नोट करना है यह बोतल कितने समय में भर जाती है। अब उस बोतल को टपकते हुए पानी को एक एक बूंद टपक रही है या बहुत ज़्यादा टपक रहा है पानी, तो आपको समय नोट करना है और कितने घंटे में ये भर जाती है ये नोट करना है। माना कि आधा लीटर पानी आधे घंटे में बहा, तो बताइए कि पूरे 24 घंटे में कितने लीटर पानी बहकर बेकार हो गया। अब आप हिसाब लगाओ बच्चों कि अगर आधा लीटर पानी आधे घंटे में बह गया तो 24 घंटे में कितना पानी बह जाएगा, है ना। तो हमें अब एक इंसान को कितने पूरे दिन भर में पानी पीने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, 5 या 6 गिलास, 5-6 लीटर पानी पीना चाहिए, है ना। अगर वो पानी बह रहा है तो उसके हिस्से का पानी गया, तो वो व्यर्थ बहा हुआ पानी हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर हमें कहीं पर भी टपकता हुआ नल दिखाई दे तो उसे तुरंत प्रभाव से हमें सही करना चाहिए, ताकि पानी का दुरुपयोग हम रोक सकें। भूगर्भ से पानी, ठीक है। अब पानी कहाँ कहाँ से आता है ये देखिए। भूगर्भ से पानी, भूगर्भ मतलब जमीन के अंदर, बोरवेल कुएं आदि में पानी भूगर्भ से आता है। बोरवेल मतलब ट्यूबवेल, ठीक है। कुएं आदि में पानी कहाँ से आता है, भूगर्भ से, जमीन के पाताल में से आता है। पर सोचिए भूगर्भीय पानी कहाँ से आता है। अब हमने कह दिया कि बोरवेल और कुएं का पानी भूगर्भ से आता है, पर भूगर्भ के अंदर पानी कहाँ से आता है। वास्तव में वर्षा का पानी जमीन में रिस रिस कर भूगर्भ में जाता है। भूगर्भ मतलब भूमि के अंदर जाता है। यही पानी कुएं, बावड़ी और बोरवेल में आता है। अब जो ये बारिश का पानी रिस रिस के भूगर्भ में जमीन के अंदर गया है, वही पानी क्या होता है, कुएं, बावड़ी और बोरवेल में आता है, मशीनों से ऊपर खींचा जाता है। आज भूगर्भ का जल उस वर्षा का है जो कई वर्षों पहले हुई थी, है ना बच्चों। अब जमीन के अंदर जो पानी है वो बहुत सालों पहले जो बारिश हुई थी और लगातार बारिश होती है, वो थोड़ा थोड़ा करके वापस वो पानी बनता रहता है। बहुत साल पहले हुई थी वो पानी अभी भूगर्भ के अंदर है। भूगर्भ में पानी धीरे धीरे इकट्ठा होता है ना। बहुत काफ़ी समय लगता है पानी को रिस रिस के जमीन के अंदर जाने में, तो पानी को धीरे धीरे इकट्ठा होने में समय लगता है। अगर हम इस पानी को व्यर्थ बहा देंगे तो भविष्य में हमारे लिए पानी की परेशानी हो सकती है। अब हम अगर इस पानी को ऐसे ही जाने देंगे, व्यर्थ ही बहा देंगे, मतलब हमें पीने की आवश्यकता नहीं, हमने एक लोटा भर के पानी लिया, आधा लोटा हमने पानी पिया और आधा लोटा पानी हमने गिरा दिया, तो वो क्या हो गया, पानी व्यर्थ हो गया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो भविष्य में हमें पानी की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी तो हम मन चाहे जितना पानी, दो एक बाल्टी पानी से स्नान हो रहा है तो हम 2 बाल्टी पानी से स्नान कर रहे हैं, 1 बाल्टी पानी हम व्यर्थ ही गिरा रहे हैं। मगर अगर वो जमीन के अंदर जल होगा ही नहीं और वो ट्यूबवेल से बोरवेल से बाहर आएगा ही नहीं, तो हम पानी का उपयोग कैसे करेंगे, पानी होगा ही नहीं तो बच्चों। तो इसीलिए हमें पानी को खुद भी व्यर्थ नहीं करना है, और अगर कोई सामने से हमारे घर में या आस पड़ोस में कोई पानी को व्यर्थ बहाता है तो उसे भी हमें रोकना है कि भाई भैया पानी का बचाव कीजिए, पानी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम घर में मम्मी हैं या फिर बड़े बूढ़े हैं लोग हैं, वो सब्जियां वगैरह धोते हैं ना, जो सब्जी धो के पानी क्या करते हैं, ऐसे ही नाली में डाल देते हैं। मगर उस सब्जी के पानी को हमें व्यर्थ नहीं, नाली में नहीं डालना है, उस सब्जी के पानी को हमें पौधों में डाल देना है ना। क्यों? क्योंकि सब्जी के, जब हम सब्जी धोते हैं तो उसमें से जो आयरन है, कैल्शियम है, वो निकलता है, वो पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, पौधों के लिए आवश्यक होता है, तो इसीलिए हमें पानी को व्यर्थ नहीं करना है, ठीक है।